प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का टारगेट सेमेस्टर में स्वागत है। मैं रीना चौहान आपको हिंदी बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में हिंदी विषय पढ़ाऊंगी, जिसमें आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में अध्ययन करना है। आप किसी भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपका पहला उद्देश्य होता है अच्छे अंक को प्राप्त करना। अच्छे अंक को प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहला काम करते हैं अपने पाठ्यक्रम का अनुशीलन करते हैं। तो आइए मैं आपको आपके पाठ्यक्रम से परिचित कराती हूँ कि आपको अपने पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना आदिकाल, आदिकाल का सामान्य परिचय एवं पृष्ठभूमि, जिसके बारे में आप जानेंगे। आदिकाल का परिवेश, परिवेश में क्या है आपको सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक, इन सभी के बारे, इन सभी स्थितियों के बारे में आप जानेंगे और साहित्यिक पृष्ठभूमि के बारे में भी आप जानेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य, लेखन परंपरा, काल विभाजन और नामकरण के बारे में भी आपको पढ़ाया और समझाया जाएगा। यूनिट सेकंड में आप देखेंगे, ये आपका है भक्ति काल। भक्ति काल की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे, उसका परिवेश जानेंगे। परिवेश में आपको वही चीजें है सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिस्थितियों के बारे में आप जानेंगे। आपको पता है भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण काव्य धारा के बारे में भी आपको अध्ययन कराया जाएगा। सूफी काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा, संत काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा के बारे में आपको अध्ययन कराया जाएगा और भक्तिकालीन साहित्य का इसमें क्या प्रदेय होता है साहित्य में, इसके बारे में भी आपको समझाया जाएगा। यूनिट आप थर्ड देखिए, यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना रीतिकाल की पृष्ठभूमि और परिवेश। परिवेश में वही सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियों के बारे में आपको अध्ययन कराया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे रीतिकाल की प्रवृत्तियां। रीतिकाल की प्रवृत्तियों में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के बारे में भी आपको अध्ययन कराया जाएगा। फिर आप यूनिट फोर्थ देखेंगे, आपको इसमें क्या करना है, आधुनिक काल के बारे में अध्ययन करना है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके परिवेश क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है और आपको समझाया भी जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा कि क्या है, कैसे है। मध्यकालीन और आधुनिक काल में अंतर आपको बताना है, इसको पढ़ना है, समझना है कि क्या है, मध्यकालीन क्या है, आधुनिक काल है, इसमें अंतर क्या है, मध्यकाल। उसके बाद आप देखेंगे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, काव्य प्रवृत्तियां। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। इनकी काव्य प्रवृत्तियों के बारे में भी आपको समझना है कि प्रवृत्तियां होती क्या है। उसके बाद आप देखेंगे यूनिट फाइव। यूनिट फाइव में आपको क्या करना है, विविध काव्य आंदोलन एवं प्रवृत्तियां आपको पढ़नी है। उसके बाद इसमें क्या है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता, नवीन नवगीत, पृष्ठभूमि, परिवेश एवं प्रवृत्तियों के बारे में आपको पढ़ना है और अध्ययन करना है, जानना है, इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आप यूनिट सिक्स देखेंगे, इसमें आपको क्या है, हिंदी गद्य उद्भव और विकास। हिंदी का गद्य उद्भव और विकास कैसे हुआ, इसके बारे में भी आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। उसमें क्या है, हिंदी गद्य के जो छोटे छोटे अंश हैं, ये कहानी और कहानी आंदोलन नाटक, निबंध क्या है, कहानी क्या है, उपन्यास क्या है, एकांकी और आलोचना का उद्भव और विकास के बारे में भी आपको समझाया और पढ़ाया जाएगा। फिर आप देखेंगे हिंदी गद्य के छोटी छोटी विधाएं होती हैं, जिसको आप कह रहे हैं हिंदी गद्य की प्रकीर्ण विधाएं, जिसमें है जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, रिपोर्टार्ज आदि के बारे में आपको अध्ययन कराया जाएगा। ये सारे आपके पाठ्यक्रम हैं जिसका आप अनुशीलन करेंगे, जिसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। इन सभी पाठ्यक्रम को आपको डिटेल भी पढ़ाई जाएगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिखाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, समझाए जाएंगे और आपको सॉल्व भी कराए जाएंगे कि परीक्षा में कैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं मिलेगा, आपको डिटेल भी अध्ययन कराए जाएंगे, जिससे आप समझ सके और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सके। इन सभी को पढ़ने के लिए आपको बस एक काम करना है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन बीए बैच है, अपने मोबाइल में जाकर के ये ऐप इंस्टॉल करेंगे। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में ऑनलाइन ये बैच है, आपको टारगेट गुरुकुल जो ऐप है मोबाइल में आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद से आपको मात्र 349 रुपए में ये बैच मिलेगा,
जिसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स इतने सारे विषय हैं जिसके बारे में आपको अध्ययन कराया जाएगी। तो मात्र 349 में आप ये टारगेट गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें और इसको आप अच्छे आसानी से पढ़ें और समझ सकते हैं। धन्यवाद।